बिफोर एंड आफ्टर ओके सो हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कांसेप्ट। एंड गाइस इस कांसेप्ट में आप सभी को मैं बताऊंगा कि गाइस आप सेम टू सेम ऐसी फोटो कैसे एडिट कर सकते हो। जैसे ही गाइस मैंने आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्लिप दिखाई थी जिसमें गाइस मैंने आप सभी को दिखाया था बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस आप सेम टू सेम वैसी फोटो को कैसे एडिट कर सकते हो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो गाइस आप लोग वीडियो को बस कंप्लीट देख लेना, आपको ए टू जेड मैं सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। बस गाइस आप सभी को इसमें एक टूल का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है गाइस क्लोन टूल। आपको गाइस मैं वीडियो में आगे बता दूंगा कि आपको उसको कैसे यूज करना है। एंड गाइस अगर आपको उसको प्रॉपर ढंग से अगर अच्छे से समझना है तो गाइस मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ही बना रखी है। आपको आई बटन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट करना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस आज के लिए यार आप वीडियो पे कमेंट करना भूल जाते हो तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड यार वीडियो लाने में भी काफी अच्छा लगता है, तो एक कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप सभी के लिए रोजाना यहाँ पे 2-3 कंटेंट अपलोड होते हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। बाकी गाइस चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज आप सभी को मुझे पता ही बैकग्राउंड को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो दोनों मॉडल पहले से फिक्स है, हम अपना मॉडल यहाँ पे कैसे एडिट करेंगे या अपने मॉडल को हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो गाइज सब कुछ आप सभी को वीडियो में बताऊंगा मैं, आप सभी बस वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पहले ले लेते हैं ऐड फोटोस अपने मॉडल को, सब कुछ गाइज आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर पाओगे। तो यहाँ से पहले मैं यहाँ से गाइज अपने मॉडल को ले लेता हूँ एंड गाइज उसके बाद हम इसको कुछ स्टेप्स ऐसे रखेंगे। बस गाइज आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका मॉडल होगा ना उसका जो हेड है वो गाइज आपके रोमन रेंज के हाथ के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाइज हाथ के ऊपर आएगा तभी एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी फोटो जो है अच्छी लगेगी। तो गाइज यहाँ पे हमने मॉडल को लगा लिया है, अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं डन, ठीक है। तो गाइज अभी कुछ भाइयों को लग रहा होगा कि गाइज वहाँ पे तो अभी पूरा वो हाइड हुआ नहीं अच्छे तरीके से, बट गाइज हम उसे हाइड करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम टूल्स में, फिर यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लोन टूल का। क्लोन टूल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी गाइज देखिए यहाँ पे आप सभी को साइज को जो है इंक्रीज कर देना है, देन गाइज यहाँ पे आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है एंड गाइज कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, ठीक है। तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है मैंने, इसके लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट करना। आप में से काफ़ी भाइयों को अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसमें एंड काफ़ी भाइयों ने बहुत कुछ सीखा, मेरे को कमेंट किया था उन लोगों ने, उन भाइयों ने। तो गाइज आप लोगों को भी अगर इसके बारे में अगर अच्छे से सीखना है तो गाइज जाओ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिलेगा, जाकर चेकआउट जरूर करना। एंड गाइज ये टूल जो है गाइज मैंने आप सभी को इस टूल का यूज़ इस वीडियो में इसलिए किया है ताकि गाइज आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए एंड गाइज आप लोग अच्छे तरीके से इस टूल का यूज़ करना भी सीख जाओ, ठीक है, इसलिए मैंने गाइज इसका यूज़ किया है। नहीं तो गाइज आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो बैकग्राउंड के लिंक मिलेंगे, दोनों में से आप जिस बैकग्राउंड पे आप फोटो एडिट करना चाहो आप उसमें एडिट करना, अच्छे तरीके से करना। एंड गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना बिल्कुल मत भूलना, जो जो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करते हैं गाइज मैं उनकी फोटोज़ को देखता हूँ एंड मुझे जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मैं उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शॉर्ट आउट देता हूँ। तो गाइज आप लोग जाकर एडिट जरूर करना। बाकी गाइज इसको हम यहाँ से फटाफट से इसकी बियर्ड वगैरह को हम यहाँ से इरेज करते हैं एंड उसके बाद एकदम अच्छे तरीके से आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा इसके बाद, जैसे कि गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लिप में दिखाया था, तो इसको मैं फटाफट करता हूँ, अभी थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ। कोई ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर लिया, अब इसको हम करते हैं डन। एंड गाइज मैं दिखाता हूँ आपको बिफोर एंड आफ्टर, तो देखा देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज देखिए यहाँ पे एकदम मैंने परफेक्ट तरीके से एकदम वहाँ से बैकग्राउंड में से मॉडल को रिलीज भी कर दिया ना, अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड भी कर दिया है। आपको भी कुछ इसी टाइप से करना है, तो गाइज चलते हैं यहाँ से हम टूल्स में एंड थोड़ा एडजस्टमेंट इसका जो सैचुरेशन हम इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि गाइज जो दोनों मॉडल हैं इनके सैचुरेशन बराबर नहीं है, तो गाइज इसको हम सैचुरेशन -10 तक कर लेंगे, तो गाइज सारा जितना भी सैचुरेशन होगा सारा इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको भी सैचुरेशन ऐसे माइनस कर देना है। देन गाइज उसके बाद आपको करना है क्या गाइज, आप सभी को अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना है ऐसे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइज बिना रिटच के तो फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो गाइज आप सभी को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, तो गाइज आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है, एंड उसके बाद जो उसका हाईलाइट होगा गाइज आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। देन गाइज आपको यहाँ पे शेडो मिलेगा, आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। देन गाइज आपको मिलेगा व्हाइट, आपको थोड़ा सा व्हाइट को जो है इसको भी बढ़ा देना है,
ठीक है, एंड उसका जो ब्लैक होगा उसको थोड़ा सा कम कर देना है। देन गाइस जाना आपको नीचे कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको जिसका वाइब्रेशन होगा उसको बढ़ा देना है, एंड जो इसका टेम्परेचर होगा उसको हल्का कम कर देना है। देन जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड ल्यूमिनस आप बढ़ा सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आप सभी को जाना डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन आप चाहो तो माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सैचुरेशन थोड़ा प्लस करेंगे एंड ह्यू को थोड़ा माइनस करेंगे। देन गाइस जाएंगे हम पर्पल कलर में, इसका हम सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे, देन यहाँ से हम डन कर देंगे। एंड इसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड का फोटो में थोड़ा सा विग्नेट डाल देना है, विग्नेट डाल देना अपने फेस अपने मतलब कि अपनी फोटो के अकॉर्डिंग आपको जितना विग्नेट चाहिए आप उतना डाल सकते हो। देन आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना चाहना है नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड का जो नोड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, फिर मिलेगा आपको नीचे कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।